तब पापस्थ अकरणं कुशलस्थ उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धानं शासनं। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। आगामी वैशाख पूर्णिमा बुद्ध जयंती के मंगल पावन अवसर पर तमाम सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई, मंगल कामनाएं। त्रिपावन जो वैशाख पूर्णिमा है, वह त्रिपावन इस अर्थ में है कि सिद्धार्थ जिनका जन्म हुआ है वैशाख पूर्णिमा के दिन, उन्हें सम्यक संबोधि की प्राप्ति हुई बुद्धगया में बोधि वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन, और उन्होंने अपने अंतिम श्वास को छोड़ा है कुशीनगर के शाल वन में दो शाल वृक्ष के बीच वैशाख पूर्णिमा के दिन। इसलिए यह विश्व की महानतम घटना है कि सम्यक संबुद्ध जो विश्व में विख्यात है, ऐसे सम्यक संबुद्ध तथागत के त्रिपावन वैशाख पूर्णिमा के मंगल पावन अवसर पर तमाम विश्व के लोग बुद्ध पूर्णिमा का महोत्सव मनाते हैं। हमारे कुछ मित्रों ने पूछा कि वैशाख पूर्णिमा किस तरह से मनाई जाए। इस संबंध में बहुत से लोग जो विपसना के साधक हैं, वह साधना में ही दिन बिताते हैं। बहुत से विपसना केंद्रों पर विपसना शिविरों का आयोजन वैशाख पूर्णिमा के दो तीन दिन पहले ही शुरू कर देते हैं। कुछ लोग हैं जो वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर बुद्धगया में, वैशाली में, श्रावस्ती में, कुशीनगर में इकट्ठा होकर के सुबह पूजा वंदना करते हैं, ध्यान करते हैं, उन स्थानों की परिक्रमा करते हैं और भ्रमण करते हैं, उन दिन को उन स्थानों का दर्शन करते हैं। कुछ लोग उपोषित व्रत धारण करते हैं, सुबह ही नहा धोकर के श्वेत वस्त्र धारण करके उपासक लोग सुबह सुबह भोजन दान भिक्षुओं को देते हैं, फलदान जो भी उनसे बन पड़ा औषधि आदि का दान देते हैं और शील सदाचार का आचरण करते हैं, अष्टशील उपोषित ग्रहण करते हैं। अष्टशील उपोषित ग्रहण करते हैं उस दिन सुबह थोड़ा सा फलाहार करते हैं और 12 बजे से पहले पहले भोजन ग्रहण कर लेते हैं और फिर उस दिन सादगीपूर्ण अष्टशीलों का आचरण करते हैं। अष्टशील में जो दैनिक पंचशील है, उन दैनिक पंचशील में तीन बातें अधिक करते हैं, जो अब्रह्मचर्या वीरमणि माने उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना, शरीर को सजाना संवारना, तेल अतर फूलहार आदि से हट करके सादगी पूर्ण रहना होता है, नाचना गाना बजाना माने नच गीत वादित विसुक दसना माने जो तमाशा जादूगरी प्रयोग मन को मनोरंजन में डालने वाले गीत गायन आदि से विरत रहते हैं, अपने को सजाने संवारने से विरत रहते हैं, माला गंध विलेपन धारण मंडन विभूषण ठाना माने माला गंध तिलक ये वगैरह लगा करके सोने चांदी के जेवरात पहन के सजने धजने का वो दिन नहीं होता है, और उच्चा सेना महासेना माने ऊंचे आसन पे बहुत नरम गद्दे पे नहीं सोते हैं ताकि नींद आ जाए, आलस आ जाए। अष्टशील आचरण करके अपने शरीर को मन को शुद्ध करने का काम करते हैं। तो बौद्ध उपासक
अलग तरह से कई प्रकार से प्रश्न पूछते हैं कि वैशाख पूर्णिमा कैसी मनाई जाए। बौद्ध देशों में बुद्ध जयंती मनाने के तरीके बहुत हल्ला गुल्ला वाला नहीं होता है, शांत है और बहुत अच्छे ढंग से मनाते हैं। बुद्ध के जीवन चरित्र पर आधारित झांकी वगैरह निकालते हैं और लोग धम्म गीत गाते हैं। और बौद्ध देशों में बर्मा में, थाई में, लंका में बौद्ध उपासक उपासिकाएं डांस भी करते हैं, लेकिन वो अश्लील जैसे नहीं होता है, धमड़ धमड़ बजने वाला नहीं होता है, वह सांस्कृतिक और मन को रंजन करने वाला नहीं होता है। तो बौद्ध पूर्णिमा के दिन हम भारतीय लोगों ने बाबा साहब ने बताए हुए 22 प्रतिज्ञाओं को याद करते हुए बहुत सादगीपूर्ण अच्छे तरीके से, बहुत हल्ला गुल्ला नहीं और बहुत एकदम आग बंद करके और बिल्कुल सीरियस होके भी नहीं, तो मध्यम मार्ग से हम लोगों ने वैशाख पूर्णिमा के दिन मनाना चाहिए। जो बहुत शीलवान लोग हैं, अष्टशील पालन करने वाले हैं, वो अष्टशील का पालन करते हैं, पंचशील पालन करने के लिए भी बहुत से लोग जो है मन आनाकानी करते हैं, लेकिन पंचशील का पालन करने वाले उन दिन विशेषता साधारण लोगों ने करना ही चाहिए। जो बौद्ध भिक्षु होते हैं उनको तो 265 दिन शील ही शील होते हैं, उनका जीवन ही जो है वह आचरण में जाता है, उतार चढ़ाव जीवन में आते रहते हैं, कभी यात्रा होती है कभी कुछ होता है। भारत देश में बुद्ध के धम्म को अब बहुत अच्छी तरह से गति मिल रही है, बहुत से प्रशिक्षित भिक्षु देश विदेशों में गए हुए भिक्षु किस तरह से बुद्ध धम्म को आचरण करना चाहिए सिखाते हैं। सामनेरी शिविरों का भारत में आयोजन हुआ है, हो रहा है, बहुत से जगह तो शिविर चल रहे हैं। अखिल भारतीय बौद्ध महासंघ के द्वारा हमने बहुत 2005-2006 में कई बार शिविर लगाए थे। तो फिलहाल मेरे गुरुबंधु पूज्य बदंत डॉक्टर यश कश्यपायन महाथेरो जो वैशाली बुद्ध विहार जयसिंहपुर में रहते हैं, मुंबई के पास अखिल भारतीय बौद्ध महासंघ की ओर से सामनेर शिविर लगा हुआ है रासायनी में, जिला रायगढ़ में। कल ही मेरी बहुत लंबे समय के बाद बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि मैं सामनेर शिविर का प्रशिक्षण दे रहा हूँ और उसमें व्यस्त हूँ। हमारे दूसरे एक पूज्य बदंत शिलानंद जी महाथेरो जो अमोड़ा में रहते हैं वर्धा के पास, उनके यहाँ 10 से 15 साल के बच्चों का सामनेर शिविर लग रहा है 10 दिन का। अभी बुद्धगया में भी ढेर सारे सामनेर शिविर लगाने की तैयारियां हो रही है, बहुत से उपासक उपासिकाएं बुद्धगया की यात्रा के लिए निकल रहे हैं। और बौद्ध तीर्थ स्थान जो पुराने हमारे बौद्धों के पूरे देश में बिखरे हुए स्थान हैं हजारों की संख्या में, महाराजा अशोक के इतिहास को जान रहे हैं, महाराज चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने जो धम्म पूरे एशिया में फैलाया जिसके कारण आज भी लाओस, कंबोडिया, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड के अंदर में पाली भाषा, पाली त्रिपिटक और बौद्ध संस्कृति जीवित है। उन देशों में जातियां नहीं है, उन देशों में पाखंड नहीं है, उन देशों में इस तरह से झूठी कहानियां नहीं है, वहां पर पाली भाषा बौद्ध साहित्य सुरक्षित रखने की वजह से बौद्ध संस्कृति जिंदा है। और बौद्ध संस्कृति जिंदा होने के कारण हम लोगों ने उन देशों की यात्राएं की है, सच्चाई को देखा है, वहां के लोगों की श्रद्धा, वहां लोगों के प्यार, करुणा, मैत्री और जो बंधुत्व है, जो मानव मानव में प्यार है, उन लोगों ने अपने में कायम करके रखा हुआ है। जो तथागत की शिक्षा रही है कि समानता, स्वतंत्रता, न्याय और भाईचारे के लिए धम्म जीवन जीने की एक बहुत बड़ी कला है, और यह धम्म जो है प्रकृति पर आधारित है, निसर्ग पर आधारित है, ज्ञान पर आधारित है, प्रज्ञा पर आधारित है, विवेक पर आधारित है। इसके अंदर कोई पाखंड, इसके अंदर कोई छोटा बड़ा ऊंचा नीचा भेदभाव नहीं है। तो ऐसा यह तथागत का धम्म जो है यह सभी मनुष्य जाति को सुख शांति से जीवन जीने का मार्ग है। समस्त पशु पक्षियों पर दया करो, करुणा करो, उनका लालन पालन करो, जिसका भी जो भी जिसको जन्म हुआ है तो उसकी रक्षा करना, उसकी देखभाल करना, उसका लालन पालन करना मनुष्य का कर्तव्य है। मनुष्य बुद्धिमान होने की वजह से पर्यावरण को जानता है, निसर्ग नियमों की
निसर्ग नियमों को जानता है और अपने जीवन को किस तरह से अच्छा बनाए उस संबंध में भी जानता है। इसलिए मनुष्य जो है वो तमाम पशु पक्षी पर्यावरण पेड़ पौधे सभी की रक्षा करे और सभी के बीच रहते हुए सम्यक जो तथागत बुद्ध ने सम्यक जो विचारधारा दी है, सम्यक आचरण दिया है, सम्यक आजीविका, सम्यक ध्यान, सम्यक समाधि, सम्यक शील समाधि प्रज्ञा का मार्ग दिया है, तो उसे बहुत अच्छी तरह से जीवन में आचरण करते हुए विशेषतः वैशाख पूर्णिमा के दिन मध्यरात्रि से ही लोग बुद्ध पूर्णिमा के उत्सव की तैयारी करते हैं और मध्यरात्रि तक बहुत पूरे देश में धम्म का अभ्यास करते हैं। कुछ लोग पूर्व संध्या पर ही, पहले दिन की संध्या पर ही कोई कोई जगह में परित्राण पाठ का आयोजन करते हैं, धम्म श्रवण करने का आयोजन करते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करते हुए धम्म पालन करते हैं, ध्यान करते हैं। तो तमाम लोगों ने बुद्ध के धम्म को माने, ये बुद्धिवादी व्यवस्था है जो शील पर आधारित है, सदाचार पर आधारित है। बुद्ध धम्म में अराजकता को कोई स्थान नहीं है, मन के शुद्धि का मार्ग है। तो ये तथागत के धम्म से आप सभी का जय मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे और वैशाख पूर्णिमा का पर्व जो है बुद्ध जयंती का माने सिद्धार्थ गौतम के जन्म, सम्यक संबोधि की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण, ये तीनों महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि प्रकृति के बीच हुई है, पेड़ों के बीच हुई है, पेड़ों के नीचे हुई है, तो इसलिए प्रकृति के इस धम्म में आप सभी का जय मंगल हो और तथागत का धम्म चिरकाल सभी ओर फैलता रहे। तथागत ने आदेश दिया था भिक्कुओं को, चरद भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अत्थाय हिताय सुखाय देव मनुस्थानं देशेथ भिक्खवे धम्मं आदि कल्याणं मध्य कल्याणं परियोसान कल्याणं सात्थं सव्यंजनं केवल परिपुन्नं परिशुद्धं ब्रह्मचर्यं पकासेथ। हे भिक्खुओं, लोगों पर अनुकंपा करने के लिए चारों दिशाओं में विचरण करो, लोगों पर अनुकंपा करते हुए उन्हें दुख मुक्ति का मार्ग समझाओ, उन्हें मनुष्यता का जीवन प्रदान हो, सुख शांति से जीवन बिताए और दुख दैन्य से मुक्ति हो। तथागत के आदेश को लेकर आज 2500 साल के बाद भी तथागत बुद्ध का श्रावक संघ, भिक्खु संघ धम्म की धम्म ध्वजा को लेकर गतिमान है और जिन बौद्ध देशों ने इस तथागत के धम्म को सुरक्षित रखा, बचाया और आज भी प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं, उन तमाम बौद्ध देशों के बौद्ध उपासकों के साथ भारत के बौद्धों की मैत्री कायम हो और देश में सुख शांति का माहौल हो, यही मंगल कामना करता हूँ। भवतु सब मंगलं, रखन्तु सब देवता, सब बुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं, रखन्तु सब देवता, सब धम्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं, रखन्तु सब देवता, सब संघानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते।